कल दिन में 3:30 बजे हम पुरी से रवाना हुए थे और 1860 किलोमीटर की यात्रा करने के पश्चात हमें रामेश्वरम पहुंचना है। रास्ते में सुंदर नज़ारे, हरे भरे खेत, अच्छा खाना और आनंद ही आनंद। हमारी यात्रा का 9वां दिन, आज पूरा दिन हमारा ट्रेन में ही निकलने वाला है और अभी हम विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन पर हैं। वी आर एंजॉइंग इट एंड होपफुली आप हमारे साथ आप भी एंजॉय कर रहे होंगे। हमारे को पैसेंजर्स ठहराव का आनंद ले रहे हैं। शाम को 5:48 हुए हैं और हम वलादा रोड पर पहुंचे हैं रामेश्वरम की तरफ चलते हुए। भारत के मुख्य भूमि से रामेश्वरम जाने के लिए एक ब्रिज को क्रॉस करना पड़ता है और जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, एक तरफ मंडपम है और दूसरी तरफ पाम्बन, और इस ब्रिज को पाम्बन ब्रिज कहते हैं। आइए देखते हैं कि ये ब्रिज किस तरीके से बना हुआ है। यहाँ 3 तरह की चीज़ें हैं जो कि हमें जाननी चाहिए। सामने ऊंचाई पर आप सड़क मार्ग देख सकते हैं और यहाँ से पाम्बन पुल शुरू होता है। आप समुद्र का किनारा देख सकते हैं और हल्की सी झलक देख सकते हैं एक पूरे इस ब्रिज की। इस रेल के सारे मेरी पूरी ट्रेन नज़र आ रही है आपको। जैसे जैसे आपकी ट्रेन आगे बढ़ती है, आपको इस ब्रिज पर एक एक्साइटिंग अनुभव होता है कि किस तरीके से आप समुद्र को छूते हुए उसको क्रॉस कर रहे हैं। पाम्बन ब्रिज मंडपम शहर को पाम्बन द्वीप और रामेश्वरम से जोड़ता है। इसे 24 फरवरी 1914 को खोला गया था। यह भारत का पहला समुद्री पुल था। यह पुल समुद्र तल से 41 फीट ऊपर है और 2065 मीटर लंबा है। पुल का अधिकांश भाग 143 कंक्रीट के पेयर्स पर टिका हुआ है। यदि आप ट्रेन के सहारे पटरियों की ओर देखेंगे तो आपको बीच में एक डबल लीफ बेस्क्यूल सेक्शन नज़र आएगा। यह एक सेल्जर रोलिंग टाइप लिफ्ट स्पैन होता है जिसे जहाज़ों और बार्ज के गुजरने के लिए उठाया जा सकता है। प्रत्येक हिस्से का वजन करीब 457 टन है। इस पुल को मैनुअल रूप से खोला जा सकता है। अभी हम पाम्बन ब्रिज के लिफ्ट स्पैन के ऊपर से गुजर रहे हैं। जैसे कि आप लंबे ये पिलर्स देख सकते हैं, बड़ा ही रोमांचक अनुभव है और सामने सड़क पुल पर खड़े हुए लोग इस दृश्य का आनंद ले रहे हैं। काश मैं भी वहां होता और दूसरी तरफ देखता इस ट्रेन को गुजरते हुए। इसे ऑपरेट करने के लिए जिस व्यक्ति को निर्धारित किया गया है वह यहाँ पर इस केबिन में रहता है। क्योंकि लिफ्ट स्पैन बंद था इसलिए सैकड़ों की संख्या में नावें इंतजार कर रही थीं रास्ता खुलने का। बहुत ही अद्भुत और सुंदर दृश्य। काफी देर तक हम चलते गए और नावें खत्म ही नहीं हो रही थीं। सामने जो आप ब्रिज देख रहे हैं वह इंदिरा गांधी रोड ब्रिज है। इसे 1988 में पूरा किया गया था और यह नेशनल हाईवे 49 को रामेश्वर द्वीप से जोड़ता है। यह 2.345 किलोमीटर लंबा है और इसका कंस्ट्रक्शन 1974 में शुरू किया गया और 1988 में पूरा हुआ। इस पुल का क्लियरिंग स्पेस यानी कि ऊंचाई 45 मीटर है। रोड ब्रिज को देखते देखते जब हम दूसरी ओर जाते हैं यानी कि
ये पुल जिस पे हम अभी चल रहे हैं, पुराना पाम्बन ब्रिज, इसके उत्तर और पूर्व की ओर एक नया पाम्बन ब्रिज बन रहा है। यह भी एक रेलवे ब्रिज है। बहुत ही एक्साइटिंग अनुभव है कि किस तरीके से वो समुद्र को फिल कर रहे हैं, किस तरीके से पिलर्स बना रहे हैं, किस तरीके से ट्रैक को डाल रहे हैं। ये सभी पूरा रोमांच भरता है आप में। नए पाम्बन रेलवे ब्रिज को पुराने पुल के समानांतर ही बनाया जा रहा है। यह 2.07 किलोमीटर लंबा है। वह आधुनिक तकनीक की मदद से बनाया जा रहा है। नए पाम्बन ब्रिज में 18.3 मीटर के 100 स्पैन्स होंगे। हमारी ट्रेन बहुत ही मंथर गति से चल रही थी और सामने प्लेटफॉर्म पर काम करते हुए एक्सपर्ट्स को देखते हुए हमें बहुत ही खुशी हो रही थी। यह बहुत ही एक्साइटिंग एक्सपीरियंस है कि हम हमारे सामने इंजीनियर्स, टेक्नीशियंस और एक्सपर्ट्स को काम करते हुए देखें। समुद्र में इस तरह काम करना निश्चित तौर पर एक रिस्की जॉब है। न्यू पाम्बन रेल ब्रिज भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेल सी ब्रिज होगा, जो कि कुछ इस तरीके से काम करेगा। वर्टिकल लिफ्ट में 63 मीटर का एक नेविगेशनल स्पैन होगा, जो शिप्स एंड स्टीमर्स की आवाजाही के लिए सीधे ऊपर की ओर, यानी वर्टिकली ऊपर की ओर जाएगा। पुराने पुल के स्पैन को मैनुअल रूप से संचालित किया जाता था, जबकि नया पुल एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल प्रणाली से कनेक्टिविटी प्रदान करते हुए ट्रेन नियंत्रण प्रणाली के साथ इंटरलॉक किया जाएगा। नमस्ते साथियों, मैं डॉक्टर डीएस चौधरी हूं और आज मेरी चार धाम यात्रा के 10वें दिन आपका स्वागत है। सुबह 6 बजे के बजाय हम 5 बजे यहां पर रामेश्वरम पर पहुंच गए हैं और आज दिन भर रामेश्वर में जो जो भी हम देखेंगे आपके साथ शेयर करेंगे। सो हैव ए नाइस डे अलोंग विद मी। जैसा कि आप पीछे देख सकते हैं, हमारी बसेस तैयार हैं और हमारा पहला डेस्टिनेशन है धनुषकोटि। आइए चलते हैं। रामेश्वरम रेलवे स्टेशन से धनुषकोटि करीब 24 किलोमीटर है। शहर में से होते हुए हम जल्द ही शहर के आउटस्कर्ट्स में थे। हालांकि काफ़ी बारिश हो रही थी, लेकिन फिर भी हम नज़ारों का आनंद लिए हुए आगे बढ़ रहे थे। बाईं ओर जो सड़क जाती है, ये ओल्ड हार्बर की ओर जाती है। ड्रोन व्यू में काफ़ी सुंदर। और हम चल पड़े आगे। सड़क के दोनों ओर कुछ झोंपड़ियाँ थी, इसके अतिरिक्त तो उसके बियॉन्ड यदि हम देखें तो समुद्र था दोनों तरफ। समुद्र किनारे लोगों की भीड़, हम बाईं ओर पुराना रेलवे स्टेशन और सामने लाइट हाउस देख सकते हैं। मुझे धनुषकोटि का ड्रोन व्यू हमेशा बहुत आकर्षित करता है। यदि हम सामने समुद्र को यहाँ से लेके और करीब करीब यहाँ तक देखें तो ये जो भौगोलिक स्थिति है ये बहुत ही आकर्षित करती है। धनुषकोटि रामेश्वरम द्वीप के दक्षिण पूर्वी सिरे पर एक उजड़ा हुआ शहर है। यह पम्बन के दक्षिण पूर्व में है और श्रीलंका के तलाई मनार से करीब 24 किलोमीटर दूर है। धनुषकोटि पम्बन द्वीप के सिरे पर है, जो पाक जल डमरू मध्य यानी पाक स्ट्रेट द्वारा मुख्य भूमि से अलग होता है। पाक जल डमरू मध्य
भारत और श्रीलंका के जाफना जिले के बीच एक जल संधि है। राम सेतु एक टापुओं की श्रृंखला या एक मार्ग है जो कि तमिलनाडु के दक्षिणी पूर्वी तट यानी कि रामेश्वरम से लेके और मन्नार द्वीप जो कि श्रीलंका में है वहाँ तक एक्सटेंड करता है। भौगोलिक प्रमाणों से एवं सैटेलाइट पिक्चर से ये पता चलता है कि यह किसी समय भारत तथा श्रीलंका के भूमार्ग को आपस में जोड़ता था। इसकी लंबाई करीब 48 किलोमीटर है। कुछ रेतीले तट हैं जो कि बहुत ही शुष्क हैं तथा इस क्षेत्र में समुद्र बहुत ही उथला हुआ है। आप देखेंगे कि इसकी गहराई कहीं पे 3 फुट है और कहीं 30 फुट और इसीलिए यहाँ पर नौकागमन मुश्किल हो जाता है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान राम ने विभीषण जो कि उस समय लंका के नए राजा बने थे उनके अनुरोध पर धनुष के बाणों से पुल को नष्ट कर दिया। इस प्रकार इस शहर का नाम धनुषकोडी हो गया यानी धनुष का अंत। मैं समझता हूँ कि इस स्थान को देखने के बजाय इस स्थान को जीना चाहिए। मेरे दोस्तों ने अपने फोटोग्राफ्स खिंचवाए, चारों ओर के नज़ारों का आनंद लिया, यहाँ की दुकानों से कुछ खाया पिया और हम चल पड़े पुनः अपने अगले डेस्टिनेशन पे यानी कि डेजर्टेड चर्च में। धनुषकोडी को भूतों का शहर भी कहते हैं। ये सामने आप एक टूटा हुआ चर्च देख रहे हैं जो 1964 में जो रामेश्वरम में चक्रवात आया था उसमें यह बर्बाद हो गया था। ये सामने आप कुछ दुकानें देख रहे हैं अन्यथा ये भरा पूरा एक शहर था। आज लंबे समय के बाद में भी यहाँ पर अभी तक कोई नहीं रहता है, मात्र कुछ दुकानें हैं और कुछ रेस्टोरेंट हैं जो दिन को खुलते हैं और रात में बंद हो जाते हैं। जब चक्रवाती तूफान आया था तब 1800 से करीब अधिक लोग यहाँ पे मर गए थे और जो ट्रेन थी उसमें करीब 150 लोग थे और वे सब भी मृत्यु को प्राप्त हो गए। धनुषकोडी कस्बे के सभी घर, चर्च, रेलवे स्टेशन, रेलवे लाइन इत्यादि सब नष्ट हो गए थे और हाई टाइड्स ने जैसे इस द्वीप को एकदम से स्वीप कर दिया हो, साफ कर दिया हो, इस तरीके से हमला किया और पूरा शहर बर्बाद हो गया। इस प्राकृतिक आपदा के बाद सरकार ने बहुत इसका निरीक्षण किए और एनालिसिस किया और उसके बाद ये माना कि धनुषकोडी एक बहुत ही खतरनाक स्थान है और इसको निर्जन स्थान घोषित कर दिया। इसलिए यह स्थान घोस्ट टाउन के रूप में आज लोकप्रिय हो गया है। मात्र कुछ मछुआरे यहाँ पे देखे जा सकते हैं या फिर कुछ आपको यहाँ पे स्थानीय जो दुकानदार हैं वो देखे जा सकते हैं। ये यहाँ का समुद्र तट है और समुद्र तट भी काफ़ी वाइल्ड है, मुझे कुछ लोग ही नज़र आ रहे हैं। हालांकि आज बारिश भी है, वो भी एक कारण है। दूर हमें टूटे हुए रेलवे स्टेशन के खंडहर नज़र आ रहे हैं। धनुषकोडी की यात्रा के पश्चात हम चल पड़े रामनाथ स्वामी मंदिर देखने के लिए। रामनाथ स्वामी या रामलिंगम मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। यह 12 ज्योतिर्लिंग मंदिरों में से एक है। मंदिर का विस्तार 12वीं शताब्दी के दौरान पांड्या राजवंश द्वारा किया गया था। भगवान राम ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि युद्ध के दौरान रावण जो कि एक ब्राह्मण के पुत्र थे वे मारे गए
अतः वे एक ब्राह्मण को मारने के पाप से मुक्त होना चाहते हैं। भगवान राम ने पूजा के लिए श्री हनुमान जी को हिमालय से एक बड़ा लिंगम लाने को निर्देश दिया। जब हनुमान जी को लिंगम लाने में देरी हुई तो सीता माता ने समुद्र के किनारे उपलब्ध रेत से एक छोटा लिंगम बनाया, जिसे गर्भगृह में शिवलिंग माना जाता है। तत्पश्चात हनुमान जी शिवलिंगम को लेकर आ गए और उसे भी स्थापित किया गया, और भगवान राम ने निर्देश दिए कि इस शिवलिंगम की प्रार्थना पहले होगी और तत्पश्चात दूसरे की। यह परंपरा आज भी जारी है। मंदिर अपने वर्तमान आकार में 17वीं शताब्दी में बनाया गया था, जबकि पश्चिमी गलियारे में एक छोटा विमान 11वीं व 12वीं शताब्दी का है। 1380 से 1410 के बीच में मंदिर के गर्भगृह का जीर्णोद्धार हुआ। मंदिर के चारों ओर ऊंची दीवार है, जो पूर्व से पश्चिम तक लगभग 865 फीट और उत्तर से दक्षिण तक करीब 657 फीट लंबी है। इसके गलियारे बहुत महत्वपूर्ण हैं। जो दूसरा गलियारा है वह बलुआ पत्थर के खंभे व बीम और छत से बना हुआ है। गलियारों का बाहरी सेट दुनिया का सबसे लंबा माना जाता है, जिसकी ऊंचाई लगभग 17.5 फीट है। गलियारे पूर्व से पश्चिम तक 400 फीट और उत्तर से दक्षिण तक करीब 640 फीट लंबे हैं, जबकि भीतरी गलियारों की लंबाई करीब 224 फीट और 352 फीट है। तीसरा गलियारा, जिसे चौखट्टम मंडपम कहा जाता है, दुनिया का सबसे बड़ा गलियारा है, जिसमें 1212 स्तंभ हैं और प्रत्येक स्तंभ करीब 30 फीट का है। यह एक विशाल शतरंज के बोर्ड जैसा दिखता है। यह वह जगह है जहां उत्सव देवता विराजमान हैं। इन गलियारों की कुल लंबाई 3850 फीट है। रामनाथ स्वामी मंदिर के भीतर 22 पवित्र जलकुंड हैं। इनमें स्नान करना रामेश्वरम की तीर्थ यात्रा का एक प्रमुख पहलू है और इसे तपस्या के बराबर माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि गर्भगृह में जाने से पहले इन पवित्र जल कुंडों में स्नान करना चाहिए। रामेश्वरम में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम राष्ट्रीय स्मारक देखना एक अद्भुत ही अनुभव था। जिस तरह रामेश्वरम जैसी सादगी और शांति प्रतिबिंबित होती थी डॉक्टर कलाम के जीवन में, ठीक वही प्रतिबिंबित होता है उनके स्मारक में। 27 जुलाई 2015 को उनके नश्वर अवशेषों को इसी स्थान पर दफनाया गया था। 2.11 एकड़ भूमि में फैले इस स्मारक का निर्माण डॉक्टर कलाम की समाधि पर ही किया गया है, जहां DRDO की पहल पर मिसाइल मैन डॉक्टर कलाम के सम्मान में इस मेमोरियल का निर्माण मात्र 9 महीने में पूरा किया गया। इस मेमोरियल का उद्घाटन 2016 में किया गया था। स्मारक भारतीय एवं मुगल वास्तुकला का एक अच्छा मिश्रण दर्शाता है। स्मारक का प्रवेश द्वार इंडिया गेट को दर्शाता है, जो दक्षिण भारत के मंदिरों के प्रवेश द्वार के साथ सम्मिश्रित है, जबकि इमारत का मुख्य गुंबद राष्ट्रपति भवन की प्रतिकृति है। डॉक्टर कलाम की शिक्षाएं इस स्मारक के माध्यम से जीवित हैं। स्मारक के अंदरूनी हिस्सों में 4 हॉल हैं, जो पोखरण परमाणु परीक्षण सहित डॉक्टर कलाम के जीवन के विभिन्न पहलुओं को दर्शाते हैं। यहां पर उन रॉकेट और मिसाइलों की प्रतिकृतियां हैं जिन पर डॉक्टर कलाम ने काम किया था। अब्दुल कलाम की कांस्य आदमकद स्टैचू स्मारक के पीछे स्थित है। स्मारक के चारों ओर बनाया गया बगीचा मुगल गार्डन जैसा दिखता है। बगीचा डॉक्टर कलाम के पसंदीदा फूलों और पौधों से सजा हुआ है। पवित्र नगरी रामेश्वरम में लोग पुण्य के साथ अब ज्ञान प्राप्त करने के लिए भी आ सकते हैं। रामेश्वरम की यात्रा के दौरान हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के घर यानी
हाउस ऑफ कलाम की यात्रा का अनुभव अत्यंत रोमांच भरा रहा। स्वर्गीय डॉक्टर कलाम का जन्म ठीक इसी स्थान पर स्थित एक छोटी सी झोंपड़ी में हुआ था। डॉक्टर कलाम का जन्म और पालन पोषण उनकी किशोरावस्था तक यहीं पर हुआ था। कलाम हाउस को 2011 में म्यूजियम के रूप में स्थापित किया गया था। गैलरी में राष्ट्रपति के बचपन और एक छोटे शहर के लड़के से देश के सबसे प्रसिद्ध वैज्ञानिकों में से एक के रूप में उनके परिवर्तन की तस्वीरें हैं। उनके घर में उनके पदक और प्रमाण पत्रों को संजोया है। भारत रत्न का सम्मान देखकर मैं अभिभूत हो उठा था। घर वास्तव में अत्यंत प्रभावशाली है। रामेश्वरम की एक दिन की यात्रा ने बहुत कुछ अधूरा छोड़ दिया। मुझे लगता है कि आप आएं तो कम से कम 2 या 3 दिन के लिए अवश्य आएं। फिर भी वी एंजॉयड और रामनाथ स्वामी के दर्शन भी किए और अगले दिन हम चल पड़े अपने रेलवे स्टेशन की ओर, अपने अगले पड़ाव की ओर, द्वारकाधीश। साथियों, मैं डॉक्टर डी एस चौधरी हूं और मेरा चैनल है टॉक DSC70। आशा है आपने सब्सक्राइब किया होगा। यदि आपको मेरा काम पसंद आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द एपिसोड। बाय बाय।